चैनल। तो हमने बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बनाया है, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है। उसकी वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। उसकी वजह पहले हमने कंसीव कर लिया तो फिर टाइम नहीं लगा, तबीयत वगैरह खराब रहती थी, और अब ये मैडम आ गई है तो वैसे टाइम नहीं मिलता। हो आज ब्लॉग बनाने का रीज़न ये कि आज हमारे मंदिर में है होली, फूलों की होली, और कुछ हमारे उन्होंने कहा कि ब्लॉग बना कुछ दीदी वगैरह कह रहे थे ब्लॉग बनाओ ताकि हम भी देख पाएं, जो दूर बैठे हैं वो भी देख पाएं, तो फिर हमने सोचा हम लोग ब्लॉग बना लें। हेलो दोस्तों, तो ये हम भांग बना रहे हैं। आपने देखा होगा होली पे सब लोग भांग पीते हैं, तो भांग के बिना मजा नहीं है होली का। और भाई साहब कुछ कह रहे थे, भाई साहब बोलेंगे हाँ जी भैया बोलो तो सब मनाएंगे होली खा के भांग की गोली। क्या मम्मी है तैयार हो के और अब सब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। वहाँ पीछे बच्चे बैठे हैं। हेलो, यह है सोनम और यह सुधा दीदी है। बुआ भतीजी देखो कैसे बैठी है। हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी गोद में ये है इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं फिलहाल भांग की नशे में सब। और ये है भाभी और हेलो बोलो रुद्रू, बोलो हेलो। तो हम लोग अब सब रेडी होके मंदिर जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा चल रहा है कार्यक्रम। ये हो गए हैं होली के रसिया तैयार, चालू कर दिया कार्यक्रम विथ प्रूफ। यहाँ मंदिर में तैयारी शुरू हो गई है, यहाँ हलवाई है, भोजन बन रहा है। Thank you.
तैयार है, पूरियाँ बन गई हैं और सब्जी बन चुकी है, पूरियाँ तली जा रही हैं। बस होली का कार्यक्रम भी थोड़ा समाप्ति की ओर। प्रसाद तैयार हो चुका है, इसका भोग लग गया है और इन्होंने लगाया है भोग। आपकी शक्ल नहीं आ रही क्लियर। भोजन की तैयारी हो रही है, भोजन ही हो रहा है, ऑलमोस्ट सब तैयार है। और यहाँ हमें कोई खाने को नहीं दे रहा। देखो भाभी तक पूड़ियाँ आ गई हैं, दीदी तक नहीं आई हैं। बस वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे आपको खाना। दीदी कुछ कह रही है, फाइनली पूरी आ गई है मेरे पास। प्रतीक भैया को थोड़ी दया आ गई मेरे पास। इनकी शक्ल भी दिखाइए भैया, इधर देखो ब्लॉग बन रहा है यहाँ पे। नहीं देखा उन्होंने। तो अब बस पूरी खाओगे? अभी आ रहा है धीरे धीरे करके, जो भी आ रहा है। फाइनली भंडारे का खाना आ चुका है और अब हम खाने लगे हैं। सब लोग होली खेल खेल के घर जा चुके हैं और हम लोग अब फ्री हो गए हैं खाना पीना खा के। तो कपड़े बदल रहे हैं केक कट के और आराम करेंगे अब। थक गए बहुत ज़्यादा, देखो ये बच्चा सबसे ज़्यादा थक गया। अब फंक्शन वंक्शन सारा ख़त्म हो गया सब करके, अब हम लोग चमका रहे हैं रसोई, दोनों देवरानी जेठानी, और थकावट बहुत हो गई। भाभी कैसा लग रहा है? अब चाहिए बिस्तर ना। अब हम लोग घर जा रहे हैं और जाके सोएंगे। पति नींद आ रही है बहुत ज्यादा। सुबह 6 बजे नहीं, आप तो जल्दी उठे थे सुबह, ये तो 5 बजे पे उठ रहे हैं जब से ही। कभी यहाँ भागो, कभी वहाँ भागो, कभी ये काम कभी वो काम। ठीक है, मैं तो इतने बजे, तू कितने बजे उठी थी वो बता दे। अरे यार मैं तो छोटे बच्चे के साथ रात में सोती कहाँ हूँ, मेरे को तो पता नहीं अब कब नींद नसीब होगी। ऐसा लग रहा है पता नहीं कब होगी, खुद ये उठेंगे नहीं रात में एक बार भी। तो बस अब नींद आ रही है, अब घर जाना है और सोना है। घर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी दूर है मंजिल, और घर जाके सोएंगे। बच्चा सोने दे, अब इसको सोते हुए हो गया टाइम। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं और मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है और छोटी के उठने का टाइम हो गया, तो जल्दी से इसके उठने से पहले सो जाते हैं, थोड़ा सो लेंगे जितना सो सकते हैं उतना। तो अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक करना इसे, क्योंकि आपके लाइक से ही हम दोबारा बनाएंगे। मतलब काफी टाइम बाद तो अभी आए हैं। हाँ, मोटिवेशन तो थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। और तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको फूलों की होली। हाँ ठीक है, बाय बाय।